दोबारा वो प्लान दोबारा हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई थिंक आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये हमने फैब्रिक पेंटिंग किया है, ये सूट है, ये देखो, ये हमने इस तरह से बाजू भी पेंट किए हैं, आप भी कर सकते हो। ये दुपट्टा है ऑर्गेंजा पे, इसमें मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस का भी काम किया है, ये पेस्ट किए हैं। ये फुल दुपट्टा है जो मैंने पेंट किया हुआ है, पूरे दुपट्टे पे सेम वर्क है, ये देखो। आप भी अपना दुपट्टा पेंट कर सकते हो, अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो, या अपने लिए बना सकते हो, ठीक है। आज पहले हम छोटे बच्चों के वर्क से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सिखाऊंगी सॉल्ट पेंटिंग, जो छोटे बच्चों के लिए है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमने उसमें फेविकॉल लेना है और फेविकॉल से हम कोई भी एक शेप बना लेंगे। मैं सिंपल फ्लावर के ऊपर आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने फेविकॉल से इस तरह से कोई भी एक शेप बना लेनी। उसके बाद हम ये सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट को हमने इसके ऊपर अच्छे से इसको ऐसे कवर कर देंगे। उससे क्या होगा, जो फेविकॉल है उसके ऊपर सॉल्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से कर लूंगी कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको हमने निकाल लिया है। तो ये देखो मेरा इस तरह से फ्लावर बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने कलर लेना है
कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है आपने वाटर कलर ही यूज कर रहे हैं। जब कलर चेंज करूंगी मैं आपको बता दूंगी। ये देखो मैंने कलर को इस सॉल्ट के ऊपर किस तरह से स्प्रेड कर देना है, ये अपने आप ही फैलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्ट है। ये देखो अब मैं ग्रीन कलर लूंगी। आप इसमें बीच बीच में अपनी चॉइस से भी कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये तो हमारी हो गई सॉल्ट पेंटिंग। ये छोटे बच्चे जरूर ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट मैं पेंटिंग आपको बताऊंगी कि हम प्लास्टिक की इस बॉटल से किस तरह से पेंटिंग कर सकते हैं। इसका हमने इम्प्रेशन लेना है। नहीं, इसमें दाने वाला सॉल्ट चाहिए। इसमें दाने वाला सॉल्ट चाहिए, ब्लैक सॉल्ट नहीं लेंगे क्योंकि बेटा वो बहुत ज्यादा पिसा हुआ होता है, बहुत फाइन होता है। तो आपने ये सिंपल वाला सॉल्ट ही लेना है क्योंकि इसमें दाने होते हैं, दानों की वजह से जो है हमारा जो कलर है वो स्प्रेड होता है। नहीं, ग्लिटर नहीं ले सकते आप। ये सॉल्ट पेंटिंग है, आप इसमें सॉल्ट ही यूज करेंगे। ये देखो मैंने ये कलर ले लिया है, आप इसमें कोई भी अपनी चॉइस का कलर ले सकते हो। मैंने क्या करना है, ये बॉटल ली है। इस बॉटल को मैंने इसमें थोड़ा
इस तरह से मैं कहीं कहीं पर ऐसे ये फ्लावर्स का इंप्रेशन जहां पे भी आपका मन करे आप लगा लें। ये अब मैं ग्रीन कलर लूंगी या आप कोई और ब्लैक कलर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ऐसे बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। ये देखो मेरे ब्रश को देखो, मैं कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रश को हल्का सा मैंने ऐसे कलर में डुबोया है और इसको ऐसे करके प्रेस कर दिया। देखो मेरी कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी लीव्स बन गई हैं, है ना। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। छोटे बच्चे फिंगर पेंटिंग भी कर सकते हैं। फिंगर पेंटिंग में बताऊंगी आपको कैसे करना है। उसके लिए आपको अभी छोटे हो तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ना कोई भी ऐसे इस तरह से पहले एक छोटा ऑब्जेक्ट रखना है। ऐसे सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है। फिर इसी तरह से एक बड़ा रख लेना है। ऐसे ही आपने इधर कर लेना है। आप इसको हाफ में भी कर सकते हो। ये देखो मैंने कलर लिया है, मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर भी ले लिया है ऑरेंज के साथ में। मैंने इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा लाइट कर लूंगी। मेरी ये फिंगर पे देखो मैंने कलर इस तरह से लिया और मैंने इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर से ऐसे करके लेना शुरू कर दिया। ये आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, आपकी जो चॉइस है आपके पास जो कलर है आप उनसे ही यूज कर सकते हो।
अब मैं ऑरेंज कलर लूंगी, ऑरेंज कलर को भी इसके थोड़ा सा डाउन पार्ट से ऐसे यहाँ पे हम छोटी सी एक बर्ड बना देते हैं ऐसे। अब मैं रेड कलर लूंगी, अभी हम इसे ड्राई होने देंगे। अब मैंने जो इसकी लीव्स बनानी है वो भी मैंने फिंगर से ही बनानी है। हमारा जो नेल होता है ना, हमने उससे लाइन लगानी है ऐसे। अब यहाँ पर देखो आपने लीफ कैसे बनानी है, लीफ को हमने किस तरह से बनाना है। ये बहुत इजी है, छोटे बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी फिंगर पेंटिंग कंप्लीट हो गई। ये जस्ट बेटा ये आपको टेक्निक्स में बता रही हूँ, आपने डिजाइन कोई भी ले लेना है जो भी आपको अच्छा लगता है। अब हमारे कुछ ब्रश ऐसे होते हैं जो बेकार हो गए होते हैं। अब जैसे ये वाला ब्रश है, ये देखो मेरा बिल्कुल बेकार हो गया है ना, मैं इससे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी इसको भी हमें यूज में लेके आना, तो हम इससे पेंटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे ब्रश खराब हो जाते हैं तो हम उससे भी काफी अच्छे से यूज में ला सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो मेरे पास ये कलर है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह से ब्रश में कलर लिया, और इसको इस तरह से ऐसे
ये देख कितने सुंदर मेरे फ्लावर्स बन गए ना। तो आप इसको ऐसे सुंदर सा ऐसे कार्ड बना सकते हो, जहां मेरा मन कर रहा है मैंने इसको लगा दिया। ये देख अब ये देखो, अब हमने इसको फिर से ग्रीन कलर यूज करना है और इसमें हमने एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन करते जाना है फ्लावर्स को। इसमें आप फिंगर से भी कर सकते हो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। ब्रश जो है हम ज्यादातर फ्लैट और राउंड ब्रश ही यूज करते हैं, लेकिन ब्रश बहुत टाइप के आते हैं, अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। आप अभी छोटे हो तो अभी आपके लिए ये टू टाइप्स के ब्रशेज ही यूज होंगे, एक फ्लैट ब्रश और एक राउंड ब्रश। जहां पे भी मेरा मन कर रहा है मैं इस तरह से लीव्स बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से बनाएंगे। इसमें कोई मैं थोड़ा सा डार्क कलर इसको कर लूंगी। ये देखो मैं इस तरह से हल्का हल्का सा ग्रास भी बना सकती हूँ। ग्रास बनाने के लिए आपको थोड़ा सा थिन ब्रश लेना होगा। यहाँ पे आप बटरफ्लाई भी बना सकते हो जो आपकी इच्छा हो, इसमें आप और बी भी बना सकते हो, कुछ भी इंसेक्ट आप इसमें डाल सकते हो, लेडीबग भी बना सकते हो। अब इनके बीच में भी आपने पॉइंट देना है। तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, मैंने लिया है ब्राउन कलर, आप इसमें ब्लू भी ले सकते हो। ये अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे ईयरबड।
ईयरबड से भी हम पेंटिंग किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने तीन कलर लिए हैं, व्हाइट, ऑरेंज एंड रेड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, थोड़ा सा व्हाइट को, ये मैंने ईयरबड लिए हैं देखो, और इनको मैंने एक बंच बना लिया है, बांध लिए हैं आपस में, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर इसको रबड़ से बांध लिया है, मैंने अब इसी को यूज कर लिया। मैंने अब इसको डिप किया ऐसे व्हाइट कलर में, थोड़ा सा मैंने ऑरेंज भी ले लिया। अब मैंने इसको इस तरह से, ये देखो, इसमें आप अपने स्टाइल से बना सकते हो, इसे ट्री भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बनती हैं, पेंटिंग्स भी बनती हैं। अब मैं ऑरेंज कलर लूंगी और कहीं कहीं पर मैंने ये इस तरह से ऑरेंज कलर भी लगा देना। अब मैं लास्ट में रेड कलर लूंगी। फिर से हमें ग्रीन कलर यूज करना है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, तो मैं इसमें पहले थोड़ा ब्राउन कलर यूज करूंगी, उसके बाद मैंने ग्रीन कलर यूज करना है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से देखो शेड डालूंगी इसके अंदर। मैं इसमें हल्का सा ब्लैक कलर का टच दूंगी और अच्छे से डार्क हो जाएगा।
अब मैंने इस तरह से लीव्स बना देंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो ऊपर से नीचे की तरह, और ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ भी बना सकते हो। तो मैं इसमें हल्का सा डार्क का भी कर सकती हूँ। कलर मिक्सिंग बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन आप रखोगे तो आपकी पिक्चर बहुत सुंदर बनेगी। हमारी ये पिक्चर भी कंप्लीट हो गई है। अब किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए मैं आपको क्लास में भी बताती हूँ कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो अभी बैकग्राउंड को बहुत जल्दी हम कैसे बनाएंगे कॉटन की के यूज से, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हमें ब्रश भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हम उसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। हमने कॉटन यूज करनी है आज। ये देखो इस तरह से मैंने कॉटन ले लेनी है, ये ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, पानी में डिप कर देना है पूरे को। ये देखो मैंने कॉटन लिया था और इसको मैंने ऐसे पानी में डिप किया और इसको ऐसे करके मैंने हल्का सा स्क्वीज कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, इस कॉटन पर थोड़ा सा ये ब्लू कलर मैंने लगा लेना है। सबसे पहले आपने बिल्कुल हल्का सा कलर लेना है, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मुझे स्काई भी बनाना होता है और लैंड भी बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले स्काई के लिए इसको ऐसे करके डिवाइड कर देना है। ये आप चाहे इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ये देखो कितनी जल्दी देखो मेरा कलर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा डार्क लूंगी जहां पर मुझे थोड़ा सा डार्क दिखाना है, ये देखो इस तरह से। आप मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू लूंगी, ये बाद में हम यहां पर जहां मैंने थोड़ा डार्क किया है इसको हम व्हाइट कलर भी यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। ये हम ब्रश से भी कर सकते हैं लेकिन कॉटन से हमारा जो है बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैंने पहले येलो कलर लेना है थोड़ा सा ब्लेंड बनाने के लिए,
इस तरह से। ये थोड़ा सा मैंने डीप येलो ले लिया है, और ये मेरा मस्टर्ड कलर भी। अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। अब इसी के ऊपर मैं आपको कॉटन से ट्री कैसे बनाते हैं वो अभी आपको सिखाती हूँ। थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, वेट कर लेते हैं एक मिनट। या जब तक ये ड्राई होता है हम कोई और चीज कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको हम ड्राई होने देते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। अब ये थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए आ जाता है। मैं अभी आलेखन शुरू कर रही हूँ, ये बड़े बच्चों के लिए है। फ्री हैंड हमने डिजाइन कैसे करना होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप जैसे कॉर्नर्स बनाते हैं, बॉर्डर्स आप बनाते हैं, या आपको सिंपल बिल्कुल सोबर सा कार्ड बनाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये इस तरह से पहले ऐसे हल्का सा डिजाइन आप कर लेंगे। अभी देखिए इसमें ही मैं आपको लोटस बनाना भी सिखाऊंगी। अब ध्यान से देखेंगे कि हम आलेखन में जो लोटस होता है वो हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड में भी और जो नेचुरल है वो भी। ये हम जैसे फोर्ट वगैरह भी जाते हैं, जितना हम घूम ये हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं उन पे यही वाली आर्ट ज्यादा हुई होती है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
इसमें कुछ टफ नहीं होता है, जहां को आपका ब्रश घूम जाए आप घुमा लीजिए, बस ये है कि थोड़ा सा ट्रिक के साथ और सफाई के साथ आपने इसको बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल बनता है ये। आप इससे कार्ड भी बना सकते हो या अपने घर में रेक्टेंगल उसमें पेंटिंग आप इसमें बना सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर भी मिक्स करूंगी, हल्का हल्का सा, ताकि आपका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाए। एक पॉइंटर ब्रश आते हैं जिनकी जो टिप होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, उन्हें पॉइंटर ब्रश बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हो, उससे ये बहुत सुंदर बनेगा, क्योंकि उसमें ना ब्रश की जो लेंथ है वो काफी अच्छी हो जाती है, और उससे आप बहुत थिन वर्क कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग जो है वो ब्रश के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है, अगर आपके ब्रशेस अच्छी क्वालिटी के होंगे तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे। इस तरह के डिजाइन्स को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, जहां मन करे आप इसमें पेंट करो, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है, ये देखो जहां को आपका मन कर रहा है आप इसको बढ़ा सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप कार्ड बनाएंगे, आपका बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज और है, जैसे हम कार्ड वगैरह बनाते हैं तो कोई टेक्सचर हमें देना पड़ता है, तो हम आप नीचे टेक्सचर भी दे सकते हो, जैसे मैंने ये इसके ऊपर ये थ्रेड लगाया है, इस तरह से मैंने थ्रेड रोल कर दिया है,
ठीक है, ये मैंने मोटा थ्रेड लिया है और मैं इसी वाले पेज के ऊपर आपको बता देती हूँ कि हमने इसका ये कैसे आएगा। आप और भी तरीके के इम्प्रेशंस ले सकते हो, ये मैंने सिर्फ थ्रेड का लिया है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको कलर लगा देना है। मैं इसको ब्रश से लगा रही हूँ, आप किसी प्लेट में आप ले सकते हो इसको। जैसे जूट का आप कोई पीस ले लीजिए, जूट के पीस पे आप कलर लगा के इसको इम्प्रेशन दे सकते हो, कॉटन से इम्प्रेशन दे सकते हो, इस तरह के थ्रेड से आप नीचे टेक्सचर बना सकते हो। मैंने इसको अच्छे से कलर कर लेना है। ये बड़े बच्चों को फाइल कवर वगैरह बनाना पड़ता है, आप इसमें यूज कर सकते हो इसे। ये देखो, अब मैंने ये लंबाई में लगाया है, अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। ये देखो, इस तरह से आप नीचे का बेस बना सकते हो, उसके बाद आप पेंटिंग कर सकते हो। ये ऐसे आप कहीं कहीं जल्दी जल्दी आप अपना करते जाइए। ऐसे ये आप सर्कल में भी लगा सकते हो, ऐसे जहां इसके ऊपर भी आप कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। ये देखो, इस तरह के और भी टाइप के टेक्सचर्स होते हैं, वो आप बना सकते हो। मैंने ये एक आपको दिखा दिया है। अब हम जरा कॉटन से, हमारा ये ड्राई हो गया है, तो हम कॉटन से इसके ऊपर ट्री बनाना मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा थोड़ा गीला हो गया था, जो पेपर अगर मोटा होगा। अच्छा एक चीज और, अभी जैसे हम ये वाटर कलर पेंटिंग करते हैं, उसके लिए ना एक अलग से पेपर आता है जो सिर्फ कॉटन का बना हुआ होता है। आप ये ऑनलाइन भी जैसे पेंटिंग्स वगैरह देखते हो, तो उसमें जो कलर स्प्रेड होता है, तो वो कॉटन का जो पेज होता है ना, वो उसी के ऊपर होता है, इसके ऊपर नहीं होगा। अगर इसी वर्क को आप उस पेज पे करोगे तो बहुत सुंदर आपका इफेक्ट आएगा उस पे। लेकिन वो शीट जो है वो कॉस्टली आती है, और वो ऑनलाइन ही मिलती है, आम शॉप्स पे वो शीट नहीं मिलती है। वो कॉटन से ही बनी हुई शीट होती है, तो कॉटन की वजह से ही उसके अंदर कलर जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। ये मैंने कॉटन का टुकड़ा लिया है, ये देखो छोटी सी मैंने कॉटन ले ली है। अब मैंने इसको पानी में नहीं डिप करना है, मैंने इसको सिंपल ऐसे कलर में डिप किया, ये देखो। और इस तरह से पहले मैंने येलो कलर लिया है, जहां पे भी आपका मन करे आप इसको इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। अब इस तरह से मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया, ये देखो। अब मैं इसको भी कहीं कहीं पर ऐसे मैंने थोड़ा और डार्क ग्रीन कलर लिया है, इसे मुझे थोड़ा सा एरिया देखकर ही लगाना है, ये सब जगह नहीं लगेगा।
पेंटिंग करूं। अब मैंने ट्री बना लेना है, देखो अब मैंने इसकी ब्रांचेस बनानी है। मैंने थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन को मिक्स कर लिया था। ये तो मैंने फैब्रिक कलर यूज किए हैं, लेकिन आपने वाटर कलर ही यूज करने हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका ट्री बन गया है, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, देखा कितनी जल्दी बना। अब हम फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर कुछ और कराऊंगी आपको। बहुत सारी चीजें आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, काफी तो मैंने कर दी है कवर। ये देखो मैंने फ्रेम लगाया है। वैसे अगर ज्यादा बड़े पे करना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी टेबल के ऊपर कोई न्यूज़पेपर लगा लेते हैं या कोई रफ कपड़ा लगा लेते हैं, उसको पिन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर फ्रेम लगाया है तो मैं इस फ्रेम पर ही आपको बताऊंगी कि आपने फ्री हैंड किस तरह से बनानी है। ये देखो हल्का सा मुझे छोटा सा किस तरह से मैंने एक पॉइंट लिया, सेकंड मैंने इस तरह से चला। ये देखो ये कपड़े के ऊपर आपने फैब्रिक कलर ही यूज करने हैं। ये देखो ये हमने डायरेक्ट फ्लावर बनाना है, इसको आपने बड़ा बनाना है तो इसको आप बड़ा कर लीजिए इस तरह से, छोटा बनाना है तो छोटा कर लेंगे। ये देखो ये तो हो गया आपका एक टाइप का फ्लावर। एक और आप इस तरह से बना सकते हो, ये कुछ नहीं करना है, बस इसके चारों तरफ आपने इसी तरह से थोड़ा और ऐसे बढ़ाते जाना है। ये
ये मून की शेप में आपने ये इस तरह से इसकी पेटल्स को बनाते जाना। जितना बड़ा आपने करना है आप ये इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ये वाला फ्लावर ज्यादातर दुपट्टों पे बनाया जाता है। ये देखो आपने एक कलर से बनाना है, आप एक से भी बना सकते हो, दो का यूज करना है आप दो का भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है, आपने वॉश करने से पहले नंबर एक तो आपका जो क्लॉथ है उसमें जो कलफ होता है वो नहीं होना चाहिए, वॉश करके ही पेंट करना शुरू करना। और उसके बाद आपने जब आप पेंट कर ले तो उसके बाद आपने आयरन कर देना है इसको उल्टा करके जब, ठीक है, इसको आयरन कर देना है। उसके बाद आप जैसे मर्जी वॉश करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लीव्स देखो, ये मैं आपको लीव्स भी दो तरह की बताऊंगी अभी। ये इसी वाले पैटर्न की है, ये देखो ऐसे, ये मैं येलो कलर से बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो हुई इस वाले फ्लावर के साथ मैचिंग। अब इसके साथ के लिए मैं फ्लैट ब्रश लूंगी। ऐसे ऐसे करना है इसको एक बार ऐसे ऐसे नहीं। ये देख लो एक बार और, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। इस वाले फ्लावर के साथ इसी तरह से आप लीव्स बनाएंगे तो आपके दुपट्टे पे आप ये अच्छे से बना सकते हो। इसमें कोई इतने ज्यादा मेहनत भी नहीं है और आपका डिजाइन भी बहुत सुंदर बन के आएगा। ये देखो फैब्रिक पेंटिंग की भी ट्रिक्स बहुत सारी हैं, बट आज दो ही काफी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं आपको ब्लॉक पेंटिंग भी सिखा देती हूँ। ब्लॉक पेंटिंग के लिए आप आलू वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये ब्लॉक है। ठीक है, तो मैंने इसी को आपको यूज करके दिखाना है। इसके लिए या तो आप डायरेक्ट ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, वैसे इसकी इंक आती है, फैब्रिक कलर में यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक पेंटिंग के लिए एक इंक आती है, अलग अलग कलर आते हैं, इंक बोला जाता है उसको। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह से
स्पॉन्ज रख लिया है और मैंने इसके ऊपर इस तरह से येलो कलर डाल दिया है। अब मैं इसको इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। मेरा ये जो ब्लॉक है ये देखो इस पे डिजाइन बना हुआ है ऑलरेडी। अब मैं इसको इसके ऊपर ये देखो आ गया ना कलर, अच्छे से इसको मैं दबा दूंगी इस तरह से। मैंने पूरे ब्लॉक के ऊपर कलर ले लेना है ऐसे, इससे क्या होगा मेरा कलर भी कम लगेगा और अच्छे से बिल्कुल बैलेंस कलर आएगा। तो मैंने अब इसके ऊपर ये देखो अच्छे से प्रेस कर देना है ऐसे। ये देखो मैं पेपर पे ही आपको करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमारा ये ब्लॉक का इंप्रेशन आ जाता है। आप ये पोटैटो पे भी बना सकते हो, अनियन का भी ले सकते हो। वेजिटेबल पेंटिंग जैसी होती है इसी तरह से ये होती है, बट इसकी जो इंक है वो दूसरी आती है। अभी मैंने आपको एक चीज और सिखानी है। चलो एक मैं लास्ट ये वाला आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने इसमें व्हाइट कलर में डिप किया पहले ब्रश को ऐसे हाफ, उसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा और डिप कर दिया येलो, और लास्ट में मैंने रेड कलर में पूरा का पूरा डिप कर दिया ऐसे। मैंने थ्री कलर्स इसी ब्रश में ले लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैंने अपने ब्रश को इस तरह से रखना है ऐसे, इसको हल्का सा ऐसे फैला देना है ये देखो, और मैं इसको ऐसे लेके चलूंगी, इसको हल्का सा ऐसे ऊपर उठाते हुए ये। अब मैंने फिर से व्हाइट लिया, पर इस बार मैंने व्हाइट ज्यादा लेना है क्योंकि रेड मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने फिर इधर क्या कर देना है, इसको फिर से मैंने ऐसे ही फैलाना है और फिर मुझे इसको ऐसे ही लेके चलना है। ये देखो ये आ गया मेरा ऐसे। सेम प्रोसीजर मैंने इधर इसको ऐसे फैला देना, अच्छे से फैला देना है ऐसे इसको, फिर मैंने ऐसे करना है ये देखो ऐसे। अब मैं यहां से इसको इसी तरह से ऐसे करूंगी।
ये देखो ये मेरे दो ब्लाउज रेडी है। मैंने जल्दी से इसमें इस तरह से ओके आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आज वाली क्लास आपकी आपको कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट फिर कल है, कल के लिए भी रेडी रहें। कल हमने पेपर वर्क और SUPW उसमें हम एम्ब्रॉयडरी रखेंगे, एम्ब्रॉयडरी होगा, कुछ तरह के टाके आपको मैं बताऊंगी। बड़ी गर्ल्स अगर देख रही है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मंतेश मैम फॉर अ वंडरफुल सेशन।